अच्छा एक दाना 5 रुपए का होगा। हाँ एक दाना एक देख सकते और बिल्कुल दांत से। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित मोहित हाँ ये ब्लॉगर है ब्लॉगर ना। आपका नाम क्या है? मेरा हाँ क्या कर रहे हो? मेकअप उतर के तो यहाँ पे हम ना लंच होगा। भैया क्या क्या है आपके पास खाने का? मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलबटिया ब्लॉग। तो स्वागत है आपका बुग्यालू में। गाइस ये कोई बुग्याल नहीं है और मैं इस वक्त पहुंचा हूं अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपके हाल समाचार जानते हैं, आप कैसे हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था क्योंकि मेरे हर जगह इवेंट चल रहे थे। अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, फिर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में नोएडा सेक्टर 62 में मेरा इवेंट हुआ। फिर उसके बाद आज ही मुझे फुर्सत मिली है ब्लॉग शूट करने के लिए और यहाँ पे आके मैंने खूब खरीदारी भी कर ली। जैसे मैंने ड्रोन परचेज कर लिया और एक अच्छा खासा लैपटॉप भी मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया है। ये सब आपके प्यार आशीर्वाद और मैंने जो बुग्यालों में मेहनत किया ना वो रंग लाई है। तो आपको दिल्ली से सीधे लेके चलते हैं बुग्यालों की ओर। बार बार बुग्याल बोलना या फिर बुग्यालों को दिखाने का मतलब मेरा यह है कि हम अपने पहाड़ को ना भूलें और ये तो अपने पहाड़ों की शान है। अरे दिल्ली तो हम बाद में घूमते हैं, पहले तो आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर। चलिए सामने अखरोट का पेड़ है और आज अखरोटों को निकाला जा रहा है। दांती अखरोट हुआ। अच्छा दांती अखरोट। हाँ ये सबसे पहले ये वैरायटी जल्दी हो जाता है और इस साल काफी अच्छे मात्रा में अखरोट निकले हुए। तो समय समय पर इसकी देखभाल करनी होती बराबर, है बराबर बराबर। नहीं अच्छा। तो जंगल की पक्षियां जो हैं इनकी छेड़ा खाने भी कर जाते हैं, इस ढंग से इस दाने को ठोक ठोक करके खा जाते हैं। अच्छा तो उनकी निगरानी पहरेदारी करनी तो जरूरी होती है। ये छिले हुए अखरोट हैं। अच्छा और ये इतने और छिलने हैं। हाँ इतने और छिलने हैं। तो अगर हम इनको बेचना चाहें तो एक किलो का कैसा रहता कीमत? एक दाना 5 रुपए का हुआ। अच्छा एक दाना 5 रुपए का हुआ। हाँ एक दाना ओरिजिनल क्वालिटी हुई। तो आप इनको बेचने के लिए मार्केट में ले जाएंगे? बिल्कुल मार्केट में ले जाएंगे। अच्छा अगर गांव के लोग भी अगर खरीद सकते हैं तो वो खरीद सकते हैं। हाँ वो भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ तो ये बादाम की जगह काम करता है ये अखरोट। क्या बात है। हाँ ये जो जंगल की पक्षी होती है, अब यही दाना आप देख लीजिए, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल था वो सारा निकाल करके खाली खोखला रखा हुआ। इसको खोद के? हाँ इसको खोद करके तो इसको हम आउट कर देंगे। इन पेड़ों से अखरोट निकालना सबकी बस की बात नहीं होती है क्योंकि अखरोट के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज से कुछ समय पहले आपने मेरे चैनल में हिमालय यात्रा का एक ब्लॉग देखा था जिसमें देव डांगर हिमालय से ब्रह्म कमल लेकर माँ नंदा के मंदिर तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार। आपने यूट्यूब परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पे मिले हैं, कौन से गाँव से हैं आप? बास्ती से। चले बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी कि मुलाकात हो पाएगी, बस हमसे बोल रहा हूँ। और ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ देखती है और रात भर सोती नहीं। वही तो कह रहा हूँ, दीवाने हैं मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज यार, भगवान का वास है यार। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन इस मेले का एंजॉय लिया, फिर रात को पहुंचा हल्द्वानी में क्योंकि आज हल्द्वानी में मेरा स्टेज शो था। लगातार बारिश होने से ये प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया और इतने लोग यहाँ पे आ गए थे उनके एंजॉय के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम स्कूल में रखा। ये प्रोग्राम कुछ ही देर में समाप्त हो गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और लोग भी चले गए थे और मैं बढ़ने लगा रुद्रपुर के लिए। अर्जुन भाई स्वागत है आपका। हल्द्वानी से सीधे कल मैं पहुंचा राणा दा के घर पे दिनेशपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दाजू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमने जम के ब्रेकफास्ट किया क्योंकि आज हमें दिल्ली निकलना था। गाइस तो ये है गंगा दा का घर और कल मैं रुका था इस वाले कमरे में। अचानक से मौसम भी अब खुलने लगा और ये है गंगादा का घर और गंगादा यहाँ पे करते हैं प्रॉपर्टी डीलर का काम। अगर आप भी दिनेशपुर या रुद्रपुर में घर बनवाना या खरीदना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करें। अर्जुन भाई अब हमें निकलना चाहिए, दिल्ली लेट हो रहे हैं और हमारा वेट भी कर रहे हैं बड़े भाई हमारे एडिशनल जनरल चीफ मनोज गोरखिला जी
और अर्जुन भाई को हम ले जा रहे हैं दिल्ली। चलो दिल्ली निकलते हैं। दिल्ली भाई और बहनों हम जा रहे हैं। ये हमारा बैग है, इसमें कपड़े हैं 7 जोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सामने दिनेशपुर की मार्केट। दिनेशपुर से जैसे आगे निकले तो यहाँ पे अपना लंच होगा। भैया क्या क्या है आपके पास खाने का? राजमा चावल, चिकन चावल और मटन चावल। अच्छा नॉर्मल भी है और नॉन वेज ये सब मिलेगा। बर्थडे भाई का बर्थडे। चलते हैं हम बर्थडे पार्टी के लिए, एक अच्छे से लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ आके पता चला आज गंगा दा का बर्थडे भी था, तो हम निकलने लगे बर्थडे पार्टी के लिए। भाई का आज जन्मदिन है तो भाई इनको दाना डालने हैं। मैं भी कबूतर हूँ। लो भैया बैग रख दो, रखो बैग। अरे भाई बैग रख दे भाई, दोस्त मिले तो ऐसा मिले सबको। हेलो हेलो, ऐसा है 50 है, बस 50। अच्छा ठीक है जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित मोहित हाँ, ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर ना। सही। सुनो इधर तो आओ। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा हाँ। क्या कर रहे हो? मेकअप उतर के नमस्कार। दो 10-20 रुपए अम्मा को दो यार, अम्मा को दो ना। चल ले 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 जा, आप जल्दी जा, अम्मा को भी दो दो। एक को 10 रुपए क्या दिया, पूरी भीड़ आ जा रही है यहाँ पे यार। सामने लाल किला और अभी चांदनी चौक पे पहुँचे हैं और यहाँ पे कुछ खरीदारी करनी है। भैया 3 गिलास लगाओ। मोहित भाई कैसा चिता रहे हैं आप? बहुत बेकार भैया, बहुत बेकार लग रहा है ना। इतनी भीड़ भाड़ को देख के दिमाग खराब हो जा रहा है यार। हमारे बुग्यालो में सही, बुग्यालो में बेस्ट है, बुग्यालो में बढ़िया है। तो अभी हम जाने लग गए हैं, बोर होके परेशान होके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शेर शेर कभी जूस नहीं पीता। फुल एंजॉय, फुल हंसी मजाक के साथ हम पहुंचे एक हुक्का क्लब में और आज यहां पे हम मनाएंगे बर्थडे पार्टी। भैया आप उत्तराखंड से ही हैं? हां जी उत्तराखंड। कौन सी जगह से? उत्तराखंड रानीखेत। रानीखेत से? अच्छा रानीखेत तक। अच्छा रानीखेत तक। अच्छा तो दाजी हुए आप। यहां पे मनाएंगे हम बर्थडे पार्टी। पहाड़ी गाने, यहां पे पहाड़ी गाने बज रहे हैं। मैं पहाड़। अब इस हुक्का क्लब में पहाड़ी झूम उठेंगे, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। पार्टी समाप्त होने के बाद अब हम देखते हैं कोई होटल, तो होटल की तलाश में चलते हैं। चलो ये सामने रहा होटल और यहीं पर होगा अपना आज रैन बसेरा। दिल्ली में कल हम इस होटल पर रुके थे, कपूर इन ओयो में रुके थे कल। अभी मैं पहुंचा हूं कनॉट प्लेस में। और यहां पर आपको विदेशों में जाने के लिए वीजा अप्लाई करना होता है, तो मेरा भी प्लान है भी विदेश का, सिंगापुर। मैं किसी म्यूजिक ग्रुप के साथ जा रहा हूं, लेकिन अभी ये प्लान नहीं है कि मैं कब तक यहां से जाने वाला हूं सिंगापुर के लिए। कनॉट प्लेस में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है यार? बहुत VIP सिटी है, बहुत VIP। लगातार व्यस्त रहने के कारण मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं ला पा रहा। अब मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉग डेली आएंगे और आज मेरा जो नाइट स्टे होने वाला है दिल्ली के सिविल लाइन के IP कॉलेज वाली लाइन में होने वाला है। इसी IP कॉलेज में मेरे छोटे दादाजी भी कार्यरत हैं और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है और इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके साथ में उनकी देखभाल भी करनी होती है, तो प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत जल्द लगातार ब्लॉग आएंगे, बस अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।